Dude, sorry, no photos, no videos. मैम, आप ना ज़्यादा चढ़ो मत. मेरा फोन मेरी मर्जी कैसे इस्तेमाल करूं? The latest video of Carrie Minati is undoubtedly one of his worst performing videos. जब से कैरी YouTube पे एक्सप्लोड हुआ है तब से उसका क्रेज नेक्स्ट लेवल है, लेकिन अब वो हाइप और वो क्रेज खत्म होता दिख रहा है. उसके नए वीडियो पे व्यूज आए लेकिन उतने नहीं जितने किसी टाइम आया करते थे. कैरी के YouTube करियर में हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए था? जो कॉमेडी के नाम पे तुमने हगा है ना अपनी वीडियो पे और जिस तरीके से अपमान किया है, तुम्हें तो जूते पड़ने चाहिए. कैरी मिनाटी इज इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर क्योंकि उसके चैनल पे 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. लेकिन उसका जो रीसेंट वीडियो आया है उस पे वैसा रिस्पांस नहीं आया जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे. लेकिन एक चीज बताऊं, मैं सेम यही एक्सपेक्ट कर रहा था. आफ्टर हिज यलगार ही वॉज गेटिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ व्यूज, लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड वॉट नॉट. लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक कैरी अपने बॉक्स में रहकर वीडियोज बना रहा था. द मोमेंट ही ट्राइड समथिंग न्यू हिज ऑडियंस क्रैश इनटू हाफ. जहां पे उसके बिग बॉस रोस्ट को 40-50 मिलियन व्यूज आ रहे थे, वहीं पे अब उसके आधे व्यूज आना चालू हो गए. सोशल मीडिया कल्चर वाले वीडियो पे उसको मिले लेस देन 20 मिलियन व्यूज और अगले वीडियो पे भी सेम स्टैट्स देखने को मिले. और अब जो ये वीडियो आया है वो शायद 20 मिलियन तक भी मुश्किल से पहुंच पाएगा. और ये जो कंट्रोवर्शियल सेगमेंट डाल दिया उसने अपने वीडियो में, इससे भी काफी ज्यादा बैकलैश मिला है उसको. कॉमेंट्स में बहुत ज्यादा हेट देखने को मिल रहा है. एक कॉमेंट देखो आप. पता नहीं क्यों लेकिन ये कमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. नॉट दैट कि मैं इसे एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी कैसा माइंडसेट दिख रहा है इससे लोगों का. ऐसा कैरी ने किया कैसे? इस लेवल पे जाके उसको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे. लेकिन यहाँ उसने इतने बड़े सेंसिटिव टॉपिक को अपनी स्क्रिप्ट से हटाया क्यों नहीं? आई एम डैम श्योर कि उसने इंटेंशनली किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट करने के लिए नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ उस क्लिप में था ही नहीं जिससे कुछ नेगेटिव मोटिव का आइडिया लगे. लेकिन वो इतना डंब भी नहीं है कि उसको ये कैरेक्टर्स डालने का मतलब नहीं पता हो. कुछ भी रीजन हो सकता है इसका, लेकिन उसने इंटेंशनली नहीं किया. इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन बन जाता है इस वीडियो में एक स्पॉन्सर का होना. इस वीडियो को आर्कटिक फॉक्स ने स्पॉन्सर किया था एंड कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगा कि उसके एंडोर्समेंट में कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी हो, क्योंकि इससे क्रिएटर के साथ साथ ब्रांड को भी बैकलैश मिलता है, जो कि अभी हो भी रहा है. तो ये वीडियो अपलोड होने से पहले पता नहीं कितने लोगों के पास गया और कितनी बार इसे प्ले किया गया है. आर्कटिक फॉक्स ने भी इसे अप्रूव किया होगा, फिर कैरी की टीम ने इसे देखा होगा और फिर जाके अपलोड हुआ है. लेकिन किसी को भी ये नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ गलत था ही नहीं. इस चीज को अच्छे से समझाते हुए ध्रुव राठी ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. तो ये क्या चल रहा है? उस हाइप के बाद सबको लग रहा था कि कैरी का नया फेज शुरू हो गया जिसमें वो नेक्स्ट लेवल जाएगा, लेकिन अभी तो पास से देखने से ये लग रहा है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया. कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं कि कैरी तेरा डाउनफॉल शुरू हो गया. सबसे पहले बात करते हैं कि इज इट रियली अ डाउनफॉल. डाउनफॉल होता क्या है? कि आप सोसाइटल बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए और इररेलेवेंट हो गए. लेकिन कैरी के केस में ऐसा नहीं है. वो इररेलेवेंट नहीं हुआ है, वो टाइम से आगे चलने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में थोड़ा सा फेल हो गया. उसकी जैसी ऑडियंस है वो सबको पता है कि कैसी ऑडियंस है और कैसे उसके पास आई थी. तो उस ऑडियंस को अपने कॉन्टेंट से बदलना ईजी थोड़ी होगा. By बदलना आई मीन टू से उनका ह्यूमर बदलना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने इम्प्रूव किया अपने आप को. अब इस चीज में एक और एस्पेक्ट भी है कि क्या हो अगर कैरी की ऑडियंस इवॉल्व ही ना हो? क्या हो अगर कैरी के एक्सपेरिमेंट्स उसकी ऑडियंस को कभी पसंद ही ना आए? तब तो उसका डाउनफॉल पक्का है ना. यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कुछ लोग अभी. लेकिन वॉट इफ आई टेल यू कि आप लोगों ने डाउनफॉल को कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है. कैरी की आज ऐसी ब्रांड वैल्यू है कि जब तक वो चाहे तब तक उसके पास अनलिमिटेड काम और कैपिटल है. अब वो सिर्फ YouTube तक बाउंडेड नहीं रह गया. एंड डू नॉट फॉरगेट कि कैरी YouTube पर काफी टाइम से है और उसने अपने बहुत सारे सुपर फैंस बना लिए जो उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए उसको पे भी कर सकते हैं अगर वो ऐसा कुछ फ्यूचर में करता है तो. गेटिंग लेस व्यूज देन द टिपिकल वंस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डाउनफॉल. लेकिन ये बस एक एक्सपेरिमेंट था विच वॉज अहेड ऑफ टाइम और वो थोड़ा सा फेल हो गया. अभी लास्ट में एक क्लिप देखो और मुझे बताओ कि क्या सेंस है इस बात का. जो कॉमेडी के नाम पे तुमने हगा है ना अपनी वीडियो पे और जिस तरीके से अपमान किया है, तुम्हें तो जूते पड़ने चाहिए. और जूते से याद आया, अगर आपको अभी शौक है सॉक्स पहनने का, सो दिस इज फॉर यू. सॉक्स ऑफ यू कैन कमेंट डाउन योर थॉट्स. एंड ये याद रखना कि आई वैल्यू योर ओपिनियंस और हम कमेंट्स में थोड़ी बातें भी कर लेते हैं इसी बहाने. यहीं तक था आज का वीडियो. लाइक कर दो एल्गोरिथम के लिए और मेरे और वीडियोस भी देखो सब्सक्राइब करने से पहले. ये ना हो कि ओपिनियन मैच हो गया तो सब्सक्राइब कर लिया और कॉन्टेंट पसंद आया ही नहीं. आई विल मेक श्योर कि अच्छे वीडियोज बनाता रहूँ एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यू सपोर्ट. अभी आ जाओ कॉमेंट्स में कुछ बातें कर लेते हैं. एंड स्क्रीन चेक करके जरूर जाना.
और ध्रुव राठी को देखते हो या नहीं देखते इससे कुछ मतलब नहीं है, उसका ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना।